सो हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। हम आपके संदीप सर हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमएलटी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो चलिए आज आप लोगों को मैं उस उड़ान भर हम लोग उस उड़ान से उड़ान को तय करते हैं जिसमें आपको हम एक नया दुनिया में ले चलेंगे, एक सपना दिखाएंगे, लेकिन ये सपना आपको चकाचौंध वाली जिंदगी नहीं दिखाएगी, जिस जिंदगी का नियत सुशांत सिंह राजपूत जैसे भी हो सकता है। हम आपको उस दौरान ले चलेंगे, उस यात्रा में ले चलेंगे, उस उड़ान भर हम लोग आज तय करेंगे जिसमें आपको हम सही दिशा दिखाएंगे और आपको एक इज्जत भर जिंदगी का सपना दिखाएंगे जिसमें आपको पास सोशल रिस्पेक्ट हो, यानी सामाजिक इज्जत हो आपको पास, और आपको जीने के लिए जितना भर पैसा चाहिए उतने का इंतजाम जरूर हो। तो चलिए आज का यात्रा शुरू करते हैं। तो इसको इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मेरा नया वीडियो आते ही आपको पास आपका मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन YouTube भेज देंगे। तो इसके पहले आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, इसके बारे में हम ऑलरेडी 4 वीडियो दिए हैं। एक फुल लेंथ वीडियो है और छोटे 3 वीडियो है जिसमें एक में हम बताएं कि 10 पैरामेडिकल कोर्स है जिसमें वाई मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट कोर्स। दूसरा जो वीडियो है उसमें हम बताए हैं कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में एक एक लेवल पर क्या क्या कोर्स होती है, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, PhD तक, और किस किस इंस्टीट्यूट उसको मान्यता देते हैं, कौन कौन यूनिवर्सिटी का उसके पास रिकॉग्निशन किस तरह से दिया जाता है, इसका ग्रॉस हम बताए थे। और इसके बाद और एक वीडियो डाले थे जिसमें आपको हम बताए हैं कि ये जो एक एक लेवल पास करने से आपको ये हेल्थ इंडस्ट्री में किस तरह का किस डेजिग्नेशन का नौकरी मिलने जा रहा है और उसके दरमियान आप कितना आपको इनकम हो सकती है, और अगर आप प्राइवेट लैब बनाते हैं, पार्टनरशिप लैब बनाते हैं, तो उसका जरिए भी आपको कितना अर्निंग हो सकती है। तो इज्जत भर जिंदगी का दिशा में आज चलिए यात्रा शुरू करते हैं। इसका पहले बता दे कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मेरा कुछ और व्यूअर्स, मेरा कुछ पुराने स्टूडेंट कुछ कमेंट किए हैं, कुछ उन लोग को स्पेशल जानकारी है कि ये कोर्स करने के बाद वो कोर्स में कैसे कहाँ कब एडमिशन मिलेगी, ये कोर्स और वो कोर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये हमको लगातार आपको पास वीडियो हम भेजेंगे, इसीलिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, इसमें बहुत लेक्चर आपको मिस हो जाएगी। तो चलिए हम लोग एक सर्वे किए थे रिसेंटली ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन सर्वे किए थे, और कुछ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी इस लॉकडाउन के दौरान कुछ सर्वे किए थे, उस रिपोर्ट पर ये आधारित है। इसमें आपको सही आप ही का प्रतिबिंब यानी आप ही का इमेज आपको देखने मिलेगा। तो क्या था हम लोगों को पहला प्रश्न था, क्या हाउ वेर योर रिजल्ट्स, यानी आपका रिजल्ट कैसे हुआ है। हाल ही में रिजल्ट निकला है, सबको आप इसके बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो। तो कुछ स्टूडेंट ने जवाब दिया गुड, गुड मतलब यानी एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, यानी जैसे उम्मीद किए थे वैसे ही। कुछ जवाब दिए नॉट गुड, यानी उम्मीद के मुताबिक हमको नंबर नहीं मिले। तो हम लोग बोल पूछे कि व्हाट्स नाउ, इसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं। तो सबने बताया एडमिशन, एडमिशन काहे बताए कि सबको ये पता चल गया कि आज का दुनिया में सर उठा के जीना है, इज्जत का जिंदगी जीना है, सोशल रिस्पेक्ट का साथ जिंदगी जीना है, तो पढ़ाई को कंटिन्यू करने पड़ेगी। तो इसलिए सब कोई एडमिशन मांगा, यानी एक बढ़िया जगह बढ़िया कोर्स में उसको दाखिलात हो जाए। तो हम लोग बोले कि एकेडमिक जनरल एजुकेशन का बारे में आप लोग जरूर सोच रहे हैं, तो दोनों तरफ बोला कि नो नो सर, हम लोग जनरल एजुकेशन का बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो हम लोग पूछे कि व्हाई नॉट, काहे आप ऐसे नहीं सोच रहे हैं। तो दोनों तरफ एक ही आंसर आ रहा है कि अनसर्टेन फ्यूचर,
यानी उनको कहना था कि इसमें अनिश्चित भविष्य आ सकती है। तो फिर हम लोग और कुछ सवाल किए, उसके बाद हम लोग पूछे कि व्हाई आर यू थिंकिंग सो, आप ऐसे कहे सोच रहे हैं। तो हर एक प्रश्न का आदमी के पास रेडी आंसर नहीं रहता है, सही उत्तर सही शब्दों का उस समय खोज नहीं मिलती है। कुछ ने बताया एज ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ ने बताया एज ऑफ साइंस, यानी ये जो एज जा रहा है यानी ये विज्ञान का युग है, ये प्रौद्योगिकी का युग है, तो इसलिए यानी उसको कहना है ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो दौर भाग का जिंदगी है, इसमें जो इतना दौर से लोग तेजी से इनका अग्रगति हो रही है, तो इस पर हम लोगों को जनरल स्ट्रीम में पढ़ने से शायद कुछ नहीं जिंदगी में हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग बोले कि बट देयर आर स्कोप्स, यानी आप जनरल एजुकेशन कीजिए, इसमें स्कोप है। तो कुछ ने बताया ऑफ कोर्स है सर, बट लेकिन उसका पास उत्तर नहीं है, वो सोच रहा है क्या। दूसरा बताया सर लेस अपॉर्चुनिटी, यानी वहां पर आप तो बता रहे कि वहां पर भी शायद स्कोप है लेकिन उसमें लेस अपॉर्चुनिटी यानी उसमें कमी है कुछ, उसमें हमको शायद हमको वो अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो हम लोग पूछे कि देन इसका बाद आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो दोनों का उत्तर सेम था, प्रोफेशनल कोर्स सर, प्रोफेशनल कोर्स हम लोग करना चाहते हैं। तो हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हिच वन, यानी कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। तो एक तरह बताया कि सर्चिंग, यानी हम खोज कर रहे हैं, किसका खोज कर रहे हैं, कैसे खोज कर रहे हैं हम लोग पूछे। तो बताया कि बुजुर्गों से पूछ रहे हैं, सीनियर जो स्टूडेंट्स है उनसे सलाह कर रहे हैं और इसके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इसने कुछ बताया कि हम लोग सर्चिंग भी कर रहे हैं इंटरनेट से, कुछ बताया कि थिंकिंग कर रहे हैं और कुछ काउंसलिंग भी, यानी इस दरमियान ये लॉकडाउन के दरमियान कुछ ऑनलाइन उन लोग काउंसलिंग किया, कुछ पेड किया, कुछ अनपेड काउंसलिंग कर लिए। तो अभी हम लोग सवाल नहीं किए डायरेक्ट, हम लोग बोले आप क्या न्यू रियलिटी के बारे में जानते हैं, वो बोला कि न्यू रियलिटी यानी नया हकीकत क्या है। तो हम बताए कि देखिए कोरोना मार्च महीने के बाद से आप देखिए कि आज जो जुलाई महीना हो गया इसमें लेकिन समाज में कुछ चेंजेस आ गए, आदमी आदमी का रिलेशन, आदमी का साथ समाज का रिलेशन कुछ तो चेंज आया। तो इसमें उन लोग को बताया कि ऐसा क्या चेंज आया। तो हम लोग बोले कि देखिए कि कोरोना का दौरान आदमी तो एक चीज जान लिया कि दो चीज दुनिया में अहम है, एक तो पेट में दाना चाहिए और दूसरा है कि मेरा सेहत का, मेरा हेल्थ का सही ट्रीटमेंट, सही इलाज का जगह चाहिए। इतना दोनों अभी जान लिए, इतना भी जान लिए कि शॉपिंग मॉल बंद रहने से भी चलेगी, सिनेमा हॉल बंद रहने से भी चलेगी, लेकिन ये दोनों तो बेसिक चीज है, बुनियादी चीज है जो हमको चाहिए बुनियादी तौर पर, कि पेट में दाना चाहिए और सेहत का देखभाल करने के लिए व्यवस्था चाहिए। तो हम लोग तो इसका जरिए तो कुछ फोन कॉल, फोन जब कर रहे थे तो सब फोन में भी सुन रहे हैं कि डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी पुलिस इसका इज्जत करे, ये लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। तो सब कोई इतना बट जान लिए कि अभी तो जन समाज में रहना है तो सबसे शायद बेस्ट प्रोफेशन है डॉक्टर, यानी मेडिकल में जाना है। बट सब चिल्लाए कि सर हाउ, कैसे हम जाएंगे, नीट टू बी क्रैक, यानी नीट में हमको क्वालिफाई करने होगा, नीट नहीं पास करेंगे तो हम डॉक्टर कैसे बनेंगे। हम लोग बोले कि अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी इससे भी छोड़ के देयर आर मेनी ऑप्शन, इसके बाद भी बहुत आपके पास ऑप्शन है जो कि पैरामेडिकल कोर्सेस है। पैरामेडिकल यानी जैसे मिलिट्री पैरामिलिट्री होती है वैसे मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेस। तो पैरामेडिकल कोर्सेस में हम लोग बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, सबसे आपका पास अहम कोर्स है। आपको जो नीचे जो हम लिंक दिए हैं उसमें देखिएगा
टेन बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स का बारे में बताए कि उसमें हम दिखाए कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी व्हाई इट इज बेस्ट कोर्स। तो कुछ बच्चों ने दूसरा बैकग्राउंड से, उनको ठीक से पता नहीं, तो हम पूछे कि आपका ब्लड ग्रुप पता है, कहां ब्लड ग्रुप, कैसे ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ आपका? तो बोला कि हाँ सर, वो कोई लेबोरेटरी में होता है। तो आप बोले, हम बोले कि आपका तो कोई बुजुर्गों का शुगर का बीमारी होगा, डायबिटीज होंगे, उनको तो महीना दो महीना में चेक करने पड़ता। बोला हाँ हाँ सर, समझ में आ गया। तो हम लोग जब बोले कोरोना टेस्ट सुने हैं, तो बोला हाँ आप पूरा समझ में आ गया कि आप मेडिकल लेबोरेटरी किसको बोलना चाह रहे। तो फिर बाकी बच्चों ने पूछा सर, इज दैट पॉसिबल विदाउट नीट? तो नीट का, नीट छोड़ के क्या ये पॉसिबल है? डिफिकल्ट टू मी, ये मेरे लिए क्या डिफिकल्ट रहेगा ये कोर्स? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, यानी इसके भर्ती होने में हमको 12 का क्लास का साथ क्या चाहिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या चाहिए हमको पास? तो हम लोग बताएं कि कुछ बताएं कि आई एम 12th पर, हम तो सिर्फ 12वीं क्लास ओनली पास किए हैं। तो हम लोग बताएं कि आपके लिए, सभी बच्चों के लिए देयर आर ऑप्शंस। आप साइंस 12th साइंस है तो बहुत बेहतरीन, 12th साइंस है तो बहुत बेहतरीन, आपको सरकारी कॉलेज में मिल जाएगी। अगर 12th साइंस नहीं है, 12th आर्ट्स है, 12th कॉमर्स है, तो आपको कुछ गवर्नमेंट प्रोमोटेड बॉडीज है, जो कि जैसे NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका बारे में हम पहले बताएं, BSS भारत सेवक समाज, ये सब जगह में आपको एडमिशन मिल जाएगी। शुड आई गेट ए गवर्नमेंट जॉब? हम बोले एकदम पक्की बात कि 12वीं क्लास अगर आपका पास है, उसके साथ आप DMLT MMLT कुछ भी करते हैं, MLT आपको पास गवर्नमेंट जॉब होना ही है। इतना काहे बोले, इतना इस कोरोना के दौरान हर एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा सरकारी संस्थाएं, यानी जिसको हम लोग PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सभी ने बड़ी मात्रा में लैब टेक्नीशियन को रिक्रूट किए। इसलिए बाजार में अभी लैब टेक्नीशियन का बहुत चाहत बढ़ गई है, बहुत लैब टेक्नीशियन, इस मतलब टू द पॉइंट, आज का दिन में बहुत लैब टेक्नीशियन का दरकार है। और इसका साथ हम जो बताए थे कि थिंक अबाउट द न्यू रियलिटी, यानी नया वास्तव, नया हकीकत जो है, नया हकीकत में इतना जान लीजिए कि ज्यादातर कोर्स जो थ्योरी बेस्ड है वो ऑनलाइन होने जा रहे हैं। जो कोर्स जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये एज वेल एज थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल, तो 50% थ्योरी क्लास आने वाले दिनों में चांसेस है कि ये ऑनलाइन क्लास हो जाएगी और ऑफलाइन में आपका प्रैक्टिकल क्लास चलेंगे। तो जैसे ऑनलाइन का चर्चा आया कि ऑनलाइन क्लास सबके लिए एक नया हकीकत है, तो सबने पूछा सर इसका गाइड क्या मिल सकती है बाजार में, यानी ऑनलाइन में ट्यूटर मिल सकती है, ट्यूटोरियल हो सकती है, ऑनलाइन क्लासेस मिल सकती है। हम लोग बताए कि यूट्यूब में आपको इस तरह का बहुत सारे ट्यूटोरियल चल रहा है, और साथ ही में मेरा ट्यूटोरियल है, MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर, जिसमें हम आपको उम्मीद किए हैं, जिसमें हम आपको साथ प्रॉमिस किए हैं कि हम हर एक चैप्टर का वीडियो आने वाले 2 साल में पूरा कर देंगे। इसी दौरान हम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर जो कि ऑफलाइन कर रहे थे, इतना ही में उन लोग को समूचा क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सब करा दिए, और 10,000 MCQ आपका परीक्षा के लिए एंड आगे दिन जॉब के लिए 10,000 MCQ हम आपको देने जा रहे हैं। तो इस चैनल में बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तुरंत मेरा नया वीडियो आते ही आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। मेरा अगला वीडियो जो है वो कुछ जो साथियों ने, कुछ जो व्यूअर्स ने तरह तरह के इंस्टीट्यूट के बारे में सवाल किए हैं, उसका एक एक मुद्दे पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसको भी फॉलो करते रहिए। सो थैंक यू टुडे।